शौक मुझे बचपन से ही था रैबिट्स का आ, ये पहले तो मेरे पास देसी थे आ, जो पाकिस्तान में ही होते हैं तो ये मैंने फिर ये आ, अब मेरे पास जितने भी हैं ये सारे इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवाए हुए हैं मेरा अब पहले शौक़ था और अब साथ साथ जो है ना बिज़नेस के बिजनेस भी साथ साथ करूँ ना तो बच्चे आते हैं सेल हो जाते हैं फिर नहीं आते हैं फिर इसी तरह सेल हो जाते हैं तो मतलब जगह बांधते रहती है ऑनलाइन सेल होते हैं ये ओलेक्स हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो ये इनके ऊपर ही सेल करता हूँ मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पे मेरा पेज है द रेबिट रिजोर्ट के नाम से तो वहाँ मैं ऐड वगैरह लगाता हूँ रैपिड फार्मिंग के ग्रुप हैं पाकिस्तान में ना नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा अस्सलाम वालेकुम नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ मरवान सर चौधरी और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छब्बीस साल एक ऐसे नौजवान के साथ जिनका शौक ही बहुत ज़्यादा निराला है जुनैर इकराम उनसे आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने घर में एक पूरे कमरे के अंदर केजस रखे हुए हैं खरगोश पाले हैं सौ से ज़ायद खरगोश उन्होंने पाल रखे हैं जो कि बहुत ही नायाब इकसाम के खरगोश हैं और सारे ही इंग्लिश खरगोश जिन्हें कहा जाता है जुनेर से बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र आप सुनाए मैं ठीक हूँ और इतने प्यारे प्यारे खरगोश पालें ये शौक कहाँ से पैदा हुआ शौक मुझे बचपन से ही था रैबिट्स का ये पहले तो मेरे पास देसी थे जो पाकिस्तान में ही होते हैं फिर ये मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वगैरह देखी तो ये मैंने फिर ये अब मेरे पास जितने भी हैं ये सारे इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवाए हुए हैं अच्छा तो इतने ज़्यादा हंड्रेड रैबिट्स बल्कि आपने कहा आपके पास इससे पहले और भी ज़्यादा थे तो इतने रैबिट्स को एक ही दम एक ही जगह पर पालना आ, ये है कि एस, आ, मेरा अब पहले शौक था और अब साथ साथ जो है ना बिजनेस के बिजनेस भी साथ साथ करो ना आ, तो बच्चे आते हैं सेल हो जाते हैं फिर नए आते हैं फिर इसी तरह सेल हो जाते हैं तो मतलब जगह बांधती रहती है अच्छा ये बताएं कि ये आपने मतलब इनको इतने शौक से पालते हैं और फिर जब कोई कहता है कि हमने इसको ख़रीदना है तो फिर आप सेल भी करते हैं तो सेल करने का क्या तरीका ऑनलाइन है? करते हैं जी बिल्कुल ऑनलाइन सेल होते हैं ये ओलेक्स हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो ये इनके ऊपर ही सेल करता हूँ और जो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है द रेबिट रिजोर्ट के नाम से तो वहाँ मैं ऐड वगैरह लगाता हूँ रेबिड फार्मिंग के ग्रुप हैं पाकिस्तान में ना फेसबुक पे तो वहाँ भी ऐड वगैरह लगते हैं तो मतलब जो पेट लवर होते हैं अब वो पसंद करते हैं और ले जाते हैं अच्छा ये बताइएगा कि ये जो बड़ा प्यारा सा हेबेट है ये इसका ये कौन सी किस्म का है आ, ये लाइन हैडवार्फ है ये भी बनी है दो महीने का ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका जो फेस होगा ना वो लाइन की तरह जैसे लाइन का नहीं होता बिल्कुल वो चीज़ बन जाएगी ये ये लाइन हैडवार्फ है ये भी एज आ पेट यूज़ होता है मेरे पास जितने भी हैं ज़्यादा मैं ये एज ऐज पेट ही कर रहा हूँ और एज आ पेट वाले लोग आते हैं उनको ही सेल करता हूँ इनको खिलाते क्या क्या है इनको सुबह के टाइम खिलाता हूँ पैलेट्स होती हैं सुबह के टाइम वो डाल दी और शाम को जो है ड्राई लोसन बस इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं खिलाता इन्हें अच्छा अपने खरगोशों के बारे में बताएं ये जो इसके अंदर खरगोश है बड़ा प्यारा आप इतना मतलब बिग साइज का है और ये ये कौन सी काइंड है आ, ये इंग्लिश अंगूर है ये मेरे पास तीन केज हैं तीन केज में में पास, है, में में पास, तीन में मेरे मेरे पास पास इंग्लिश इसमें से चार कलर आ जाते हैं है। ये मेरा कैमरा दिखा सकता आपको कि ये बहुत ही प्यारा ग्रे जैसे कि पर्शियन कैट होती है इसकी बिल्कुल वैसी लुक है और काफी बड़े साइज में है बड़े प्यारे लग रहे हैं ये इनकी एक तो इनका पर्पस होता है वूल के लिए आ, मतलब इनकी वूल जो होती है ना वो सेल होती है और इससे शोल वग़ैरह बनती हैं कपड़े बनते हैं तो एक इनका इंग्लिश अंगूरा का जो है ना पर्पस एक ये भी है अच्छा ये बताइएगा कि अब तो मार्केट में अगर टोलेंटन तो मार्केट में भी जाएँ तो खरगोश का जो गोश्त है वो खाया भी जाता है वो देसी खरगोश होते हैं ये इम्पोर्टेड खरगोश या इतने महंगे मासूम से हैं ये कौन इन्हें खाएगा ये वैसे ही बहुत इम्पोर्टेड हैं तो महंगे होते हैं जो गोश वाले हैं वो न्यूज़ीलैंड वाइट आ जाते हैं अभी लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं है पाकिस्तान में वरना आइंदा दो तीन सालों में जो होगा न्यूज़ीलैंड वाइट जो होगा ना उसका वेट होता है फोर के प्लस तो वो गोश के लिए यूज़ होगा अच्छा ये जो ऊपर है ये वाला ये कलरफुल सा है और <laughs> ये रिस्पॉन्स भी कह रहा है तो ये ये कौन सी किस्म है ये इंग्लिश अंगूरा ही है ये मेरे पास तीन केज जो हैं ये तीनों इंग्लिश अंगूरा के हैं और ये इधर केज आ जाता है ये फूजी लूप का है और ये वाले केज जो हैं ये हॉलेंड लूप हैं वहाँ फिर लाइन है डार्फ आ जाता है वहाँ टेडी है डार्फ आ जाता है होटो डार्फ भी है मेरे पास और बस अभी यही है अच्छा जुनैराम ये बताइएगा कि आपके अपने घर में आपका घर इतनी अच्छी आ, सोसाइटी में है आपके घर वाले कुछ नहीं कहते कि पूरा एक कमरा मुख्त कर दिया गया खरगोशों के लिए आ, न, शुरू में कहा था लेकिन ये है आ, इनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है एक तो किसी को मतलब घर वालों को भी पता नहीं होता कि कुछ रखा हुआ है इसने और जो भी मतलब के घर में आते हैं वो सबसे पहले ही मेरे ये वाले कमरे में आते हैं रैबिट देखने के लिए तो जो भी रिलेटिव्स होते हैं सबसे पहले आते ही हर देखने के लिए अच्छा ये शौक मतलब कैसा शौक है कि इंसानों का का जानवरों से मोहब्बत इतना इजहार और क्या जब आप आते हैं तो ये आपको पहचानते हैं ये तो मेरा सुबह के टाइम पे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं जब मैं नीचे आता हूँ तो ये सारे केत से बिल्कुल आगे आ जाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये अब हमें ना खाना देने आ गया और पानी वगैरह भरेगा बोतल्स में तो इन्हें मतलब कि इन्हें सब कुछ पता होता है कि अब ये आ गया हमारे पास अच्छा ये खुद ये बॉटल्स आपने लगाई हुई हैं हर पिंजरे के साथ लगी हुई है तो ये खुद बोटल के अंदर से पानी भी पी लेते हैं आपने कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ आ, ये बोतल है और बोतल के आगे वाटर नोजल है नोजल के आगे इतनी सी बोल होती है जब ये अपनी ज़ुबान बोल के ऊपर लगाते हैं ना तो पानी इनके मुंह में जाता है इस तरह ये है कि पानी एक तो ज़ाया भी नहीं होता और बोतल के अंदर ही रहता है अच्छा ये इससे कोई किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं होती इनके जो हेयर्स हैं जैसे कैट्स के बारे में कहा जाता है कि वो एलर्जी कर देती है आप बच्चों को बहुत ज़्यादा कैट्स के साथ खेलने नहीं देते आ, इन्हें वैसे इतनी कोई एलर्जी वाला प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन ये है इनकी वैक्सीन होती है स्किन की वैक्सीन होती है तीन महीने का जब रेबिट हो जाता है तो इनकी स्किन की वैक्सीन होती है तो बस फिर उसके बाद इन्हें कोई भी एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही ये बीमार भी नहीं होते इनकी कितनी केयर करनी पड़ती है Means इनको ठंड में ज्यादा रखना पड़ता है या गर्माइश देनी पड़ती है क्या इनका प्रोसेस है सर्दियों में तो इन्हें इतना इशू नहीं होता लेकिन गर्मियों में ये अगस्त वाला महीना हो गया ये हबस वाले महीने जो है ना इनमें ज़रा केयर करनी पड़ती है इनमें ये एसी में रहते हैं बिल्कुल जी ये तो इंसानों से भी ज़्यादा नखरीले हैं एसी में भी रहते हैं और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर रेबिट्स हैं बहुत ज़्यादा उनकी नयाब इकसाम है यहाँ पर और इनको सलाम है कि इन्होंने इतने रेबिट्स पाले हुए हैं क्योंकि आज कल मसरूफ़ीत के दौर में ऐसे शौक़ पालना बहुत मुश्किल काम होता है तो स्टडी भी करते हैं नहीं स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है हमारा अपना बिजनेस है साथ वो मैं करता हूँ और साथ इनको टाइम देता हूँ रात सारी नींद आ जाती है इनके बगैर रात को भी जब मैं सोता हूँ तो रात को दो से तीन बार मेरे चक्कर लगता है इस रूम में कि मतलब सारे रैबिट ठीक हैं किसी का पानी तो नहीं कम तो मतलब पानी कम हो तो वो फिल करता हूँ तो वो फिर ऊपर जाकर सो जाता अच्छा ये जानवरों से और ख़ास तौर पे खरगोश के साथ इतनी मोहब्बत का ये ये किस तरह से आप में जज्बा पैदा हुआ खरगोश मैंने आपको जैसे पहले भी बताया खरगोश मुझे ना बचपन से ही पसंद थे और ये आ, देखे ना ये कितना प्यारा सा है बिल्कुल मासूम सा बिल्लियों का भी शौक था लेकिन उनकी आवाज़ मियाँ मियाँ लेकिन ये है इनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है एक तो वजह ये थी खरगोश रखने की अपने दिल की बातें कर लेते हैं आ, कि कोई इनमें से कोई कोई है उनके साथ कर लेता हूँ अच्छा। <laughs> नहीं नहीं ये खामोश है ये किसी को भी नहीं बताते आगे बिल्कुल जी आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात करवाई जुनैर इकराम के साथ जिनका शौक है उन्होंने अपने घर के एक फ्लोर पे बाकायदा एक पूरे रूम के अंदर हंड्रेड प्लस जो है ख़रगोश रखे हुए हैं और इनका ये कहना है कि इससे कबल इनके पास इससे भी ज़्यादा रेबट्स थे और बहुत ही नायाब इकसाम के खरगोश हैं जो कि हम आपको सारे दिखाएंगे और यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त नई बात डिजिटल के साथ मरवान सर चौधरी da face.